जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिविल टेक क्लास। मेरा नाम, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रजेश मंडराई। आज हम फाइंड करने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, दैट मीन्स वाटर की कैपेसिटी हम एक पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल में कितना आता है वो हम फाइंड करें, जिसका डायमेंशन को गिवन है। हम ये जो कैपेसिटी फाइंड करेंगे हम फीट में, क्यूबिक फीट में, क्यूबिक मीटर में और एक गैलन में, तीनों के रूप में फाइंड करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने पहले से सॉल्यूशन करके रखा है। आपको किस प्रकार से सॉल्यूशन किया है वो आप देख सकते हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये जो डायग्राम है, सबसे पहले डायग्राम को हम देख लेते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है जिसका प्लान ये दिख रहा है, इसका सेक्शन मैंने ये बनाया है। इस प्लान के माध्यम से हम इसका डाया फाइंड कर सकते हैं। 8 फीट दिया है अंदर से अंदर, और ये वॉल दी है, जो हैशिंग पॉइंट है ना, ये वॉल है, और अंदर अंदर इसका जो हाइट है वो है 8 फीट। मींस इसका जो डाया है 8 फीट का है, इसकी जो हाइट है 8 फीट की। अब हम कैसे इसकी कैपेसिटी, वॉल्यूम या क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, गिवन दिया हाइट, जिसे हमने स्मॉल एस से डिनोट किया है, 8 फीट। 8 फीट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, 3.28 से डिवाइड करके 8 को, तो कितना मिल जाएगा हमको, 2.43 m, मीन्स मीटर। सेम एज इट इज डायमीटर को भी फाइंड कर लेंगे मीटर में हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम तीनों इस कैपेसिटी को क्यूबिक मीटर में भी फाइंड करना चाहते हैं और CFT के अंदर भी फाइंड करना चाहते हैं, और साथ में आपको गैलन में बताऊंगा कितना लीटर इसके अंदर गैलन आ सकता है, मीन्स पानी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, ये नॉर्मल चीज है जो आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ। आप सभी देख लीजिए, एक क्यूबिक में, एक एम क्यूब में 1000 लीटर आता है, एक गैलन में 3.785 लीटर आता है, 1 CFT में 28.344 लीटर पानी स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम कैलकुलेशन पार्ट पर हम आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमको कैपेसिटी फाइंड करना है। एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दे हम, तो हमारे पास कैपेसिटी मिल जाती है या फिर वॉल्यूम मिल जाता है। तो हमारा स्टेप फर्स्ट का जो है फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट इक्वल कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल ऑफ वाटर टैंक। अब सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम एरिया फाइंड कर ले। एरिया किसका, ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है आपको ऊपर टॉप का, तो ये पूरा हम ले लिए पाई। इसका डाया हमको 8 फीट दिए था, बट हम मीटर में पुट कर रहे हैं डी की वैल्यू को। 2.43 कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, 3.28 से डिवाइड कर दीजिए 8 फीट को, तो ये आ जाएगा। ये पूरा कैलकुलेट जब आप करते हैं तो 4.637 मीटर स्क्वायर आपका मिल जाता है। बट जैसे कि हम जानते हैं कि हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कैपेसिटी मिल जाती है 11.267 m³। अब इसी को हम फीट में भी कन्वर्ट करें, किस प्रकार से करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 m³ में होता है 35.314 CFT, तो हमने क्या करा, इस ये वाली जो क्वांटिटी है हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 35.314 से, तो हमारे पास ये CFT में इसकी कैपेसिटी मिल चुकी है। ठीक है, अब आगे देखिए, ऑल्सो 1 m³ 1000 लीटर होता है, जैसे कि हम जानते हैं 1 CFT में कितना स्टोर होता है। जैसे कि हमें पता है कि एम क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, तो उसी प्रकार से हम CFT के अंदर या 1 क्यूबिक फीट में कितना पानी स्टोर होता है, तो होता है 28.3344 लीटर। ठीक है, तो हमने 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर क्यूब में इसकी क्वांटिटी निकल जाएगी, और अगर इसको हम 28.34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी क्वांटिटी हमें मिल जाएगी या कैपेसिटी मिल जाएगी हमको वाटर टैंक की, ये लीटर में 11,277 लीटर हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक गैलन में कितना होता है, 3.785 लीटर होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आया है, ये रिजल्ट आया था हमारे पास 11267 को डिवाइड कर देंगे 3.785 से, तो हमारे पास मिल जाएगा एक गैलन में 2977 गैलन इसके अंदर पानी स्टोर हो पाएगा, ये जो आपको दिख रहा है। और इस प्रकार के वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करिए, जिसका नाम है सिविल टेक क्लास विदाउट स्पेस स्मॉल लेटर में, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।